हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन और आज हम लगा रहे हैं आरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक नंबर 7 ओली बोर्ड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ से ठीक है, तो पहले हम करेंगे रीजनिंग, तो देखते हैं क्या स्कोर रहता है इसमें। 8 बस रूट 5 16 5 16 5 16 5 16। थोड़ा सा जल्दी करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और मंथ कहाँ है, ये रहे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये दोनों हैं 31 के। रूट ए जो कि जुलाई में है, 3 रूट्स ए और जी। फिर है ई वॉज इनोग्रेटेड ऑन 5th ऑफ द मंथ इन, ए आ गया, जी आ गया, ई इधर आ जाएगा। एक बार ई इधर मान लेते हैं। नंबर ऑफ द रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इनोग्रेटेड बिफोर एच इज थ्राइस देन द बिफोर एफ। और आगे क्या है, डी और सी इनोग्रेटेड इन कंसेक्यूटिव मंथ, और डी इज इनोग्रेटेड बिफोर, डी इनोग्रेटेड बिफोर सी। अब हम ये वाला फिक्स करना होगा, 1 2 3। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, अगर इसका अगर एक है तो 1 2 3 ही हो जाएगा। एफ इधर मान लेते हैं, 1 1 2 3 थ्राइस हो गया एच डी और सी। आई थिंक ये बन ही गया। फिर इधर तो पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा एफ, इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यही बन गया ए, बी हमारा रहता है आई थिंक, है ना, तो बी बच गया, वो इधर आ जाएगा जस्ट बिफोर एफ, बी ही है। हाउ मेनी रूट्स आर इनोग्रेटेड बिटवीन एच एंड डी, 1। हाउ मेनी रूट्स इनोग्रेटेड बिफोर बी, नो, नन। ठीक है, बी ए, बी हो गया, ए हो गया, एच जी, एच जी, फिर ई होगा, तो ये एच वाला है गलत। हाउ मेनी रूट्स इनोग्रेटेड बिटवीन ए एंड बी, एफ, ओनली 1। ठीक है, ए बी सी डी एफ जे, ई जे 10, एफ 6, डी हो गया 4। ठीक है, दो दो का गैप है, डी ई एफ जी एच आई जे, जी जी एच आई जे के एल एम एन एफ जी एच आई जे के फिर एल, ये गलत है सिर्फ, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, दोबारा एक बार देख लेते हैं, जी एच आई जे, दो आगे बीच में, इसलिए बॉडी का बताना है। बॉडी का, बॉडी का एक तो हो गया ये इधर, सिर्फ इसी में पोर, डी ओ यू आर एच ओ यू आर एच ओ यू आर हो जाएगा एक तो, एफ ओ यू आर एच और एफ ओ यू आर दोनों ही हो सकते हैं। सो देखते हैं एक बार, ग्रेट 4 होगा नहीं, योर एंड ग्रेट भी तो है, ग्रेट 4 हो गया, योर भी हो गया, पोर है नहीं, डी ओ ये भी नहीं है, तो 4, ओके 4 ये रहा, एच यू आर आ जाएगा सिर्फ इसको। एंड ब्रिंग, एंड का देख लेते हैं, एंड एक सिर्फ इसी में है, आर ओ यू आर, एक तो ये हो जाएगा, और टी, टी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, है ना, बी भी नहीं होगा, ओके सही है। तो ब्रिंग्स फिर है, ब्रिंग्स ब्रिंग्स एक हो गया ये, तो यहां से टी जे, डी ओ यू आर, डो डी वाला नहीं होगा, एस ओ यू आर ये भी नहीं होगा। फिर गुड, गुड का देख लेते हैं, 1, क्योंकि सिर्फ इसी में है, बी ओ यू आर, जेड ओ यू आर, एस ओ यू आर और एफ ओ यू आर, ये होगा नहीं, आर जे, आर जे और जेड। ठीक है,
आर जे और जेड कोड डी ओ यू आर एस ओ यू आर और पी ओ यू आर डी ओ यू आर डी का है एक ये रहा एक इसमें है दोनों में सिर्फ ग्रेट ओ योर बॉडी नहीं एस ओ यू आर एक हो गया दो इन दोनों में हो गया केयर ब्रिंग ग्रेट होप होप आ जाएगा ग्रेट होप फिर है पी ओ यू आर एक एक और एक दो इन दोनों में सिर्फ ग्रेट फॉर योर बॉडी योर ग्रेट होप योर ग्रेट होप योर फिर इन्हें क्लास संजय रैंक टेंथ फ्रॉम द टॉप जो क्या टेंथ जो कि संजय है एंड विजय जो कि 15th है 14th सॉरी तन्मय रैंक 15 फ्रॉम द टॉप 1 2 3 4 5 15 हो गया तन्मय फिर है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट बिटवीन संजय एंड तन्मय इज इक्वल्स टू द तन्मय एंड विजय तो चार होंगे 1 2 3 4 14 ही हो गए 10 ही हो गए 24 4 4 8 1 9 33 हो गए टोटल सेवन गर्ल्स आर वर्किंग इन होटल इन डिफरेंट डेजिग्नेशन द डेजिग्नेशन ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है डायरेक्टर डायरेक्टर हो गया पहला तो फिर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर एचआर मैनेजर शेफ वेटर और सपोर्टिंग स्टाफ 7 हो गए टोटल फिर जो है ये देखते हैं मानवी ओके मानवी इज इमीडिएट सीनियर टू श्रेया वो डेजिग्नेशन ऑफ यामी इज नाइदर शेफ और मैनेजर ओनली 3% आर सीनियर टू शिल्पा हु इज इमीडिएट जूनियर टू ओनली 3% आर सीनियर टू शिल्पा जो कि हु इज इमीडिएट जूनियर टू 11 और नव्या इज सीनियर टू यामी यामी इधर होगा नहीं तो बाकी हम क्या देखें नाइदर मानवी एंड नाइदर सीनियर मोस्ट तो एक चीज तो समझ में आई है कि मानवी और इधर आएगा नहीं मानवी श्रेया मानवी श्रेया फिर यामी इधर नहीं यामी इधर हो भी नहीं सकता यामी इधर दूसरा बनाया ये हो जाएगा हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू सिर्फ एक है y greater than x गलत v greater than equals to z तो only second होगा इसका second is no one is not true and second is true w greater than equals to v w w से हमें t के पास जाना पड़ेगा w greater than t ये भी नहीं है तो कोई भी नहीं होगा एस ग्रेटर देन टी एस ग्रेटर देन एल एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू आइदर और बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओ बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओ नहीं है सी ग्रेटर देन ओ ये सही हो जाएगा सी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन ओ ओनली सेकंड फिर बी 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू
यू इज 8 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ डब्लू, एल इज 10 मीटर ईस्ट, फिर के इज 18 साउथ ऑफ एल, क्यू 18 साउथ ऑफ एल, और एम 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ यू, एम हो गया 5, शॉर्टर डिस्टेंस बी और यू, बी और यू का 225, 64, 9, 8, 17 आ जाएगा इसका। पॉइंट एम इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट के, एम जो कि विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट के, नॉर्थ और वेस्ट। पॉइंट एल इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डब्लू, एल और डब्लू, एल जो कि नॉर्थ ईस्ट। 10% are sitting on the pentagonal table, 5 of them corner and rest of them are middle, all of facing are inside. ठीक है, 2% जो कि है x और p, x and p where y is immediate left of, y is immediate left of p, गलत बना दिया, y is immediate left बोला है ना, y is immediate left of p, 2% x and p, 4% y or q, 1, 2, 3, 4, 4 हो गए y और q, फिर 3% q एंड u, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, q और u के w adjacent to r और t, w r और t ऐसे होंगे, तो तीनों ही एक साथ। आगे देखते हैं, S is immediate left of V, Q is not immediate neighbor of R, Q और R होंगे नहीं, V does not sit any corner of the table, V जो कि mid में होगा, V के immediate left, तो फिर हमारा कौन सा बनेगा भाई, अब अगर P दो छोड़ करके X में इधर बनाता हूँ, ठीक है, V के इमीडिएट लेफ्ट इधर बनेगा नहीं, V के इमीडिएट लेफ्ट इधर आ जाएगा, S इज नॉट नेबर ऑफ Q, यहाँ बनेगा नहीं, S और P इधर नहीं, S और Q भी नहीं है, पी पी दो छोड़ करके एक्स, पी दो छोड़ करके एक्स हो गया, पी 1, 2 एक्स, पी 1, 2 इधर हो गया एक्स, अब आर जो है क्यू के साथ में नहीं होगा, तो आर डब्लू टी, आर डब्लू टी, आर डब्लू टी हो गया इधर, आर डब्लू टी, वी जो कि कॉर्नर पे नहीं होगा ना, वी इज नॉट कॉर्नर, वी के इमीडिएट लेफ्ट नहीं बनेगा, वी के इमीडिएट लेफ्ट नहीं बनेगा, V के इमीडिएट लेफ्ट हो गया S, V के इमीडिएट ये नहीं बनेगा, ये बन गया हमारा ऑड वन आउट, T R कॉर्नर पे, Y भी कॉर्नर पे, V अंदर है, S जो कि कॉर्नर पे, गलत। ऑन द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ X, 1, 2, 3 W, हाउ मेनी पर्सन आर सिट बिटवीन S एंड W राइट ऑफ S, 1, 2, 3, 4, पोजिशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू वी, फर्स्ट सेकेंड,
एज एक्स रिलेटेड टू डब्लू द सेम वे वी रिलेटेड टू टी हो जाएगा. फिर है इट कंसिस्ट ऑफ फैमिली कंसिस्ट एट मेंबर्स. एल इज फादर ऑफ एच. एम इज मैरिड टू एल हो गया. बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम एंड एम इज मैरिड टू ये हो गया. नो सिबलिंग ठीक है. एस इज द ओनली डॉटर ऑफ एम. टी इज मैरिड टू बी. एन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ टी. अब ये कैसे बनाएंगे. ओके एन इज ब्रदर इन लॉ. एन हैज नो सिबलिंग. एन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ टी और डी इज मैरिड टू एन. एन का कोई भी सिबलिंग नहीं है. ठीक है. फिर एल जो कि इसका फादर है ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बनेगा. अजीब सा ही बना है कुछ. हाउ बी इज रिलेटेड टू डी. बी सिस्टर इन लॉ. हाउ एच इज रिलेटेड टू टी. एच क्या लगा. नाइस सॉरी नेफ्यू. द फॉलोइंग इज अ पेयर बी और एल. बी एल ठीक है. एन एम टी और डी तो ये जो है ना सिबलिंग्स वाला पेयर बी और एल. एन और एम होगा नहीं. टी और डी 1 और 3. 6 पर्सन है सिटिंग ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर. वेयर फ्लोर 1 इज द लोअर मोस्ट. 6 5 4 3 2 1. और कुछ इनका आई थिंक क्या है. रैबिट कैट पीजन तो अलग अलग ऑनर्स भी हैं. ये हो गए इनके पेट्स. क्यों नाइदर है इवन थर्ड. और कैट भी नहीं है इसके पास. द वन हु हैज पीजन इज द टॉप मोस्ट लो. फिर है आर डजंट लिव ऑन द फर्स्ट और 6. देर इज 1 फ्लोर बिटवीन द वन हुज डॉग एंड टी. डॉग एंड टी एंड द वन हुज स्नेक वेयर. देर इज 1 फ्लोर बिटवीन द वन हुज डॉग विच इज टी. ओके डॉग जो कि टी है. और एंड द वन हु हैज स्नेक वेयर टी इज अबोव द स्नेक. ठीक है. यू लिव्स ऑन 5th फ्लोर. अब टी डॉग स्नेक इधर टी डॉग एक छोड़ करके स्नेक आ गया. फिर आगे देखते हैं तो आर इधर भी नहीं आ. तो पी लिव्स एग्जैक्टली अबोव द वन हु इज अ कैट. कैट अबोव पी. तो इधर कैट नहीं. कैट इधर पी आ जाएगा. यू टी डॉग स्नेक कैट पी. इधर आएगा कैट और पी.
आर जो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो आर इसमें आ जाएगा। फिर देखते हैं, पी डजंट हैव रीजन एंड आर डजंट हैव द रैबिट। आर इसमें नहीं, तो आर आ गया इसमें, क्यू आ गया इसमें। एक सेकंड, आर तो हमारा आ ही चुका, क्यू इधर आएगा, क्यू के पास कैट नहीं है ना। पी क्यू आर एस इधर आ जाएगा, आर के पास रैबिट नहीं है तो रैबिट। सिक्स फ्लोर पर है क्यू पिजन, रैबिट पैट यू, टी लिव्स ऑन विच ऑफ द फ्लोर, डॉग जो कि फोर्थ। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन यू एंड द वन हु हैव स्नेक। वन टू, हाउ मेनी पेयर्स बोथ साइड्स। एल ही जे जे की, फिर एल हो गया 12, ई 50, 20, 20, ई 5, आर 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा, 20 का ये भी नहीं बनेगा, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, 18, 19, 20 सिर्फ एक है। 10 person are sitting on a circular table face, some are facing inward and some are facing outward. इसको एक बार मार्क करते हैं। और क्या है, 7 person है जो कि class on the week starting from the Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. एंड ये भी जो है हमारा, हाँ, डबल वेरिएबल है। स्टार्ट कहाँ से है, फर्दर इट इज नो ओनली वन पर्सन वेंट बिटवीन आर एंड टी, वेयर आर इज वेंट बिफोर टी, आर वी आर द रेड, ठीक है, वी वेंट, वी हु वेंट ऑन द वेडनेसडे, वेंट आफ्टर द पर्सन वेयरिंग येलो, एस वॉज नॉट शर्ट ऑन, ब्राउन और ब्लू, पी इमीडिएट बिफोर ग्रीन, At least three people went before you. कम से कम तीन तो होने चाहिए, तो यू इनमें से कहीं पे आएगा। यू जो कि ब्राउन नहीं है, टी इज इमीडिएट फॉलोड बाय द, टी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द पर्सन वेयरिंग द पिंक। ठीक है, फिर क्या है, देयर वॉज थ्री पीपल हु वेंट, पी एंड एस, थ्री पर्सन वेंट पी एंड एस, वेयर पी वेंट बिफोर वेडनेसडे। तो पी अगर इधर मैं मानता हूं, द पर्सन वेयरिंग ब्राउन शर्ट, लास्ट वन को ब्राउन इधर आ गया, फिर पी वॉज नॉट द फर्स्ट टू गो, पी वन टू थ्री एस, पी वन टू थ्री, फिर आ गया एस, पी और एस का खत्म। एंड अभी हमें क्या करना है, कौन सा देखें, कौन सा देखें, वी ऊपर येलो आएगा, पी के जस्ट नीचे आएगा ग्रीन, पी के जस्ट नीचे ग्रीन ये हो गया, फिर आर और टी बनाना है, आर इधर टी, टी के जस्ट नीचे आर, आर नहीं, आर इधर,
ये नहीं बनेगा, तो इधर ही बनेगा आर जो कि रेड है, एक छोड़ दो टी, टी के जस्ट नीचे है पिंक। ये वाली लाइन में एक बार हिंदी में देख लेता हूँ, टी वाली क्या है। गुलाबी रंग टी शर्ट पहनने वाला व्यक्ति टी के निकटतम स्थान बाद है। हाँ वही मैंने बाद में बनाया, तो आगे देखते हैं इसको। ये होगा हमारा येल्लो। अब इसमें फिक्स करते हैं इसको आर, इसमें तो होगा ही नहीं, तो यही बनेगा हमारा, सही जा रहा है। ये बन गया, ये बन गया, ये भी हो गया। एस जो कि ब्लू नहीं है तो ब्लू आ जाएगा हमारा इधर। यू ब्राउन नहीं है तो यू आ गया इधर। फिर कौन सा बच गया, ये हमारा पी, पी क्यू रह गया, क्यू आर एस टी सारे हो गए। देखते हैं हु वेंट बिफोर, इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु, ब्लैक, तो ब्लैक आएगा इधर। यू है जो कि ब्लू। हाउ मेनी पर्सन पीपल वेंट वेयरिंग ग्रीन एंड द क्यू, ग्रीन एंड क्यू, 1 2 3। हु वेंट इमीडिएटली आफ्टर टी, पिंक जो कि बी है। ऑन विच ऑफ द डिड आर वेंट, आर वेंट जो कि संडे। हाउ मेनी पीपल वेंट बिटवीन पी एंड द वन, पी और ब्लू, पी ये रहा ब्लू है, 1 2। एक ये रह गया जो कि बाद में देखते हैं, पहले हम कर लेते हैं हमारा क्वांट वाला सेक्शन। तो ये रहा इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर, 1 2। ये हो गया फर्स्ट और थर्ड हो गया 15%। 3 4.2 सम ऑफ द 15, 0 हो गया इनटू में 100। एक सेकेंड, सेकेंड सम ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ 55 हो गया। 55 की वैल्यू निकाल ली हमें सिंपल सी, ठीक है। तो यहाँ से हमें 11 हो गया, 3 हो गया, 3 का 1 1 4, 4 और इधर कितना होगा 5 2 1, 125.4। द थर्ड क्वार्टर 2018 आई बी सी 30, द रेशियो ऑफ द सेल्स ऑफ ए बी और सी ऑल्सो बी सेल्स 3 आइटम्स। ये इसमें एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ मैं। परसेंटेज शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पी इन द फोर क्वार्टर्स, ठीक है। तो ये जो है थर्ड वाला 30, 30 में है ए बी और सी, 5 10। तो यहाँ पर 3 2 6, 3 3 9, 5 3 15, ये बन गया। और बी जो है 27 है, तो 30 हो गया सेकेंड क्वार्टर का, 35 2 70 हो जाए सेकेंड क्वार्टर, 3 है ना 5, 105 हो जाएगा सॉरी। द सेल्स ऑफ द 2018 वो 240 लाख, एंड द रेशियो ऑफ द ए बी सी इन फोर्थ क्वार्टर, ए बी फोर्थ में कितना हो जाएगा, 4 2 2 4 कितना हो गया ये, और इसमें ए बी और सी ये मान लेते हैं हम, 4 8 0.5, 8 2 16, 2 4 2 8 1 9, तो एक की वैल्यू होगी ये। सी का कितना हो जाएगा, ये बनेगा 6 2 12, 1 2 2 18, 19.2 आ गया। आइटम ए कंप्राइज ऑफ 22% ऑफ द टोटल सेल्स एंड इट वॉज इक्वल टू द 99 लैख, वट इज द डिफरेंस। तो 99 जो है 22% के इक्वल है, 100 की हमें वैल्यू निकालनी है। 2 आ गया 9 आ गया 50, 9 5 45, 450 आ गया टोटल डिफरेंस बिटवीन द थर्ड और थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का 10% इसका निकालना है, 45 आ जाएगा इसका। इफ द टोटल सेल इन द बाय द वैल्यू इन फर्स्ट क्वार्टर, तो इतना हो गया 15%, एंड द टोटल सेल 2018 वाज इतना बाय वैल्यू इन फर्स्ट क्वार्टर, एंड द टोटल सेल इज इतना, व्हाट वाज द सेलिंग, इसको छोड़ो एक बार, ठीक है।
तो अब देखते हैं, ये जो कि यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का होगा तो प्लस माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा प्लस प्लस, 5 3 और 2, 3 2 6 नहीं, 5 2 10 और 3, 10 हो गया, 3 हो गया, ये माइनस होगा 5 3 3, 3 3 9 और 5, 9 और 5 आ गया, लेकिन ये कुछ भी नहीं बनेगा, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस प्लस, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस 36 इक्वल्स टू 8x माइनस 8 6 48, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, ये उधर जाके प्लस होगा, तो प्लस में 12 इक्वल्स टू 0, 4 3 6 दूनी प्लस प्लस 6 2, यहाँ पर इस तरफ 9 दूनी 18, 9 10 11 12 2 हासिल 1 17 28, प्लस का 12 आ जाएगा इसका, एंड ये जो है सिर्फ इतना ही है, तो वाई ग्रेटर देन एक्स। द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 3 दूनी 6 4 12, इफ ए इज इंक्रीज बाय 15, बी इज इंक्रीज बाय 5, रेशियो होगा ए और बी कितना हो गया, फाइंड द, ये कैसे निकालेंगे अब हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर ओके तो इसको मान लेते हैं 10 5 20, और क्या बोला है, इफ सी इज 10 लेस देन दैट ऑफ बी, तो इसका द नंबर ऑफ द फिजिक्स स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी एक्स, एक्स का है ब्लू और फिजिक्स का है ये 200, इज व्हाट परसेंट ऑफ द सीएस इन जेड, जेड हो गया ये 500, 500 ये कट ही जाएगा, 5 4 0 40, द रेशियो द मैथमेटिक्स एंड जियो यूनिवर्सिटी एक्स, द रेशियो द मैथमेटिक्स एंड जियो, तो मैथमेटिक्स में कितने हो गए ये 280, और जियो में 360, 0 4 3 3 6, तो जियो एंड डाटा साइंस इन वाई, वाई हो गया रेड, जियो रेड वाला कितना है 180, तो डाटा साइंस 540, 8 4 12, 6 7, ये 8 9 8 8 रेशियो 9, डिफरेंस बिटवीन द फिजिक्स एंड द जियोग्राफी इन जेड, जेड का ये रहा, फिजिक्स में कितना है 440 माइनस यहाँ पर जियो में 300, तो 140 आ जाएगा। इफ द एवरेज नंबर ऑफ द डाटा साइंस स्टूडेंट एट एक्स वाई, एक्स और वाई का देख लेते हैं, एक्स हो गया ये जो कि 280 है, वाई हो गया 540, 8 4 12 5 3 8, और इनका एवरेज, एवरेज दे रखा है ना, 45 2 90, 135, 0 3 3 5, 530 आ गया इसका। सम ऑफ द नंबर ऑफ द फिजिक्स एंड सीएस एट एक्स, फिजिक्स और सीएस, एक्स में 200 तो ये हो गया, सीएस में हो गया 100, 300 हो गया, एंड जियो एंड सी एस, जियो सी एस जो कि वाई, वाई हो गई, सी एस में कितने 240, जियो में कितना है 180, 8 4 12 2 4 720, ये तो 50% ऑफ 50% नंबर ऑफ द मैथमेटिक्स स्टूडेंट वाई, सॉरी एक्स एंड वाई इज मैथमेटिक्स के एक्स और वाई, एक्स में कितने हैं 280 और वाई में है 500, 50% ऑफ मार्क्स इज 250 ही हो गया, 140 ही हो गया, 093 ये बना है, इज 300 मोर, 300 ज़्यादा यानी 90 मोर देन द 20% ऑफ द फिजिक्स
परसेंट मोर, 300 ज्यादा है, इज 300 मोर देन द 20%। पैंतालीस टोटल हो गया, 45 हो जाएंगे टोटल इसके मार्क्स। फिर देखते हैं प्लस का, 5 + 10 + 1 और 1, फिर प्लस 3 हो गया, 1 हो गया, ये क्या हुआ भाई, 5 10, 5 हो गया, 10 हो गया, 5 और 1 11, 6 2 12, 13 हो गया, ठीक है। और फिर 10 17 ऐड करेंगे इसमें, तो 179 में 17, 6 8 और 9, 196 हो जाएगा। यहाँ से प्लस 0 2, फिर प्लस 0, 5 और 1 6, फिर प्लस 0 0 1, प्लस 0 4 1, 40 40 40 हो रहा है, 180 ऐड करेंगे, 4 9 2, 7 5 6 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
इंटू फोर इंटू फाइव करेंगे, 4 5 6, वो 6 5 30, 25 26 27 28 तो 20 21 22, 2280, 22, यहाँ पर हुआ है माइनस जो कि 23 24 25 हुआ है, फिर माइनस 49, फिर माइनस 1 8, फिर माइनस यहाँ 5 7 9, फिर इधर 11 होना चाहिए, ये 1 आ गया, और यहाँ पर 11 फिर 2 आएगा, फिर 1, 5 7 11 13 आएगा, 4 7 9 7 169, 7 और 1 8 2, इधर 6 4 40 28, यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 6 प्लस 6 7 8, फिर 10 फिर 12 फिर 14 करेंगे, 14 होगा, 4 4 8 5 58, 30 का 900 माइनस 67 ऑफ एक्स, 5 6 5 5 6 5 आएगा, तो 5 3 8 में से 3 आ गया, 6 7 100, तो 7 आई थिंक 5 पे जाना चाहिए ये, हाँ 5 पे ही जाएगा, तो 500 आ जाएगा इसका आंसर, 6x-240 96 into 20, 12 2 12 8, वो 4 गया, 2 पर 4 5 10, 6x-50 = 2, तो यहाँ पे 240 होगा, 6 4 0 40 आ जाएगा इसका आंसर, 150 का 300 बना लेते हैं, इंटू 17 17 51 हो गया, 51 -15 करेंगे तो यहाँ से आएगा 36, एक्स इंटू 12 80 / 100 32, और यहाँ पर 1 2 3 4 गया, 4 0 जीरो से ये 4 आ गया, 9 90 आ जाएगा, 110 - 15 75 +6 = 0, यहाँ पर 25 35 29, क्या कर रहा हूँ मैं, 35 और फिर 41 आएगा, सॉरी इधर देखते हैं, प्लस माइनस 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 238, 2 आ गया 119, और ये कितने पर जाएगा, फिर 119 कितने पर जाएगा, 17 पर जाएगा ना, हाँ 17 पर ही जाएगा, 17 7 तो 7 7 ये हो जाएगा, 17 और 14 हो गया, 6 चौक 24, 3 और 2 और कितना चाहती है, 12 12 तो नहीं बनेगा, 6 चौक 24 और 3 दूनी 6, नहीं ये भी नहीं बनेगा, 6 3 18, 6 दूनी नहीं बनेगा ये भी, 3 यहाँ से 2, 3 3 9 9 दूनी 18, नहीं क्या बनाए क्या बनाए, 4 चौक 16, 3 3 9 16 और 9 बन गया, ग्रेटर देन, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, माइनस प्लस माइनस माइनस
इनटू में चार करेंगे, 200 216 तो 6 का क्यूब ही हो गया, 333 टू टू इंटू टू, तो ये कितने पर जाना चाहिए, 36 तो नहीं, 3 3 9, 9 2 18 और यहाँ पर 2 2 4 12 नहीं, 3 3 9 9 3 27, 2 2 4 2 8 नहीं, 3 3 9 9, 2 2 4 नहीं, 8 3 24 और 3 3 9 ये बनेगा 24 और 9, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 1 4 2 8 9 96। दूसरी तरफ 3 इंटू 3 2 इंटू 2, 3 2 6 और 6, 6 और 6 बन गया इधर, तो ये भी कुछ नहीं बनेगा, ये तो 3 मुझे ये वाला क्वेश्चन कर लेना चाहिए क्योंकि पजल तो मुश्किल है। सम ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन प्लान ए ट्रिप थ्री मोड्स टू बस ट्रेन, इधर लिख लेते हैं, बस हो गया, ट्रेन हो गया और फ्लाइट, एक है मेल दूसरा है फीमेल। द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉय ट्रेवलिंग द बस इज सेम सेम एज द फीमेल एम्प्लॉय इन फ्लाइट, फीमेल इन फ्लाइट ये दोनों सेम होंगे, एंड द इक्वल एन इक्वल नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन, ये दोनों इक्वल हैं। द नंबर ऑफ द मेल ट्रेवलिंग द ट्रेवलिंग बाय ट्रेन इज 20% मोर देन द फीमेल बस, फीमेल बस हो गया 5, इसको एक्स मान लेते, ये भी 5 हो गया, ये भी 6 हो जाएगा। टोटल मेल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन आर, मेल हो गए टोटल 1200। द रेशियो ऑफ द मेल मेल ट्रेवलिंग बाय द फ्लाइट टू फीमेल ट्रेवलिंग बाय बस, मेल जो ये और फीमेल जो ट्रेवलिंग बाय द मेल फ्लाइट फीमेल बस, फीमेल बस हो गया 2y, ये तो हो जाएगा 5y। टोटल नंबर ऑफ द फ्लाइट, तो फ्लाइट के इसने दे दिए भाई 600, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, उसको x मान लेते हैं, 6 5 11 x प्लस 2y इक्वल्स टू में 1200, इस तरफ कितना होएगा 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 600, माइनस कर देते हैं ये कट जाएगा, यही बनेगा ना 5x था, क्योंकि माइनस करें 6x इक्वल्स टू 600 बन गया, x की वैल्यू आ गई 100, तो x था हमारा ये 500 ही हो गया, 600 ये 600 ये 500 ये आ जाएगा, बचा हुआ 100 ये हो गया, अब 2 50 5 250 इधर आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं रेशियो ऑफ द रेशियो टोटल मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन गोवा, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 5 11 12 13 1350 ही हो गए, तो 2550 रेशियो बताने, तो 120:35 ये बनेगा 15:9 और 15:8 रेशियो, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेन बाय टू गोवा 6 11 12 13 1350 8:9 यही बनना है भाई, बन गया गलत। टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय ट्रेवलिंग बाय द फ्लाइट इज दिस, सारा ही खराब हो गया फिर, अब तो क्या ही फायदा है ना, कोई और ही क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अब। दो सौ 260 मीटर की लॉन्ग ट्रेन अक्रॉस द पोल 18, तो 260 के 18 में स्पीड आ गई है इसकी 130/9, द टू ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ए एंड बी इन इतने सेकंड, एंड व्हाट द लेंथ ऑफ द ए और बी, जो कि दे दिया इसने लेंथ ऑफ द ए, ए की वैल्यू 130 65 × 9 9 5 45 4
54, 85, दूसरी है 260, 5, 4, और टोटल तो गई है लेंथ ऑफ द, एक सेकेंड, इतने मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस, शिट। तो भाई एक सेकेंड, मुझे है ना ये देखना यार क्वेश्चन का क्या गलती की है मैंने इसमें। अब देखो 400, ये कुछ तो गलत कर दिया मैंने इसका, ये इक्वल थे, ये था 6-6, ठीक है। अब इसका द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉय बाय बस और सेम एज द फीमेल एम्प्लॉय इन द फ्लाइट, ये दोनों सेम थे, ठीक है। एंड इक्वल नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल ट्रेन, ये भी ठीक है। द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉय मेल ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन, मेल जो कि ट्रेन से जा रहे हैं, हमने 6 मारा, 20% मोर देन द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय बाय द बस। फीमेल एम्प्लॉय बोला था इसने, मैंने मेल बना दिया, ये गलती कर दी इधर, अदरवाइज हो जाता था ये। और फिर इसका और इसका रेशियो सेम हो जाता, फिर यहाँ पर सेम आता, यहाँ पर सेम आता, ठीक है। तो ये एक सेट था, इधर से ये आता था, फिर क्या फीमेल बाय बस, ये हो गया। द टोटल मेल एम्प्लॉय जो कि हो गया 1200, सो द रेशियो द मेल ट्रेवल टू द फ्लाइट एंड द फीमेल बाय द बस, मेल जो कि फ्लाइट से और फीमेल द नंबर ऑफ द मेल बाय ट्रेन इज 20, फीमेल बाय द बस, फीमेल बाय द बस, मेल ट्रेवलिंग टू द फ्लाइट, फीमेल बस, तो ये दोनों का हो जाता। एंड द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय ट्रेवलिंग बाय द फ्लाइट, फ्लाइट का ये आ जाता, फिर निकलता हमारा ये। इसको हम एक्स या वाई जो भी मान लेते, एक्स मान लेते, इसको इनको वाई मानते, तो फिर ये हो जाता था। 3-4 क्वेश्चन और निकल जाते यहाँ से इजीली, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैं, कोई नहीं, अभी देखते हैं इसमें क्या बना है परसेंटाइल। ये एक्यूरेसी तो पूरी रही है, ये भी अच्छी बात है कि अटेम्प्ट काफी कम हुए यार अभी तक, ये 3700 कुछ नहीं अभी अब तक अटेम्प्ट किया है। तो प्लीज आप लोग भी अटेम्प्ट करना, बताना आपका क्या स्कोर रहा इसमें। तो रीजनिंग में तो सभी ने वो स्किप ही किया लगभग, है ना, तो मैंने भी सही किया स्किप करके। क्वांट में और हो जाते थे यार इजीली, इजीली हो जाते, कोई और भी ज्यादा क्वेश्चंस मेरे 2 से 3 क्वेश्चन तो इजी थे, होने ही होने थे, अगर ये मिस्टेक नहीं हुई होती इधर। सो आप लोग बताना क्या स्कोर है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।